अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक, और अल्लाह ताला आपको ऐसी ढेरों ढेरों ईदें देखना नसीब फरमाए अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुमा आमीन। तो चलें जी ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। और ये जो मेरा व्लॉग है, ये मैंने चांद रात से लेकर ईद की शाम तक का शूट किया था, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या क्या किया ईद पर। तो चांद रात को मैंने सोचा कि मैं मीठा बना के रख लेती हूँ, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ जी लबेशीरी। लबेशीरी के लिए मैंने 1 लीटर लिया दूध, उसके अंदर 3 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर घोल के वो डाल दिए। साथ ही हसपे ज़रूरत मैंने इसमें चीनी भी ऐड कर दी थी, और बस ये इसका वाइट सा जो कस्टर्ड है ना, वो बन जाएगा। दूसरी तरफ मैं ले रही हूँ जेली रेड और ग्रीन कलर में। अच्छा, रेड वाली तो मेरी बहुत अच्छी जम गई थी। मैं हमेशा 1 कप पानी में ही जेली को जमाती हूँ, तो बहुत अच्छी जम जाती है। गर्म पानी करके ना मैंने बीच में डाल दिया था। लेकिन जो मेरी ग्रीन वाली थी वो मेरी अच्छी नहीं जमी, मैं आपको चल के आगे दिखाऊंगी। मुझे लगता है शायद बर्तन शीशे का था, इसलिए वो उसमें ना सही नहीं जमी, हालांकि मैंने इसको काफ़ी देर रखा भी था। चलें जी, अब आगे कस्टर्ड देखें, हमारा ठंडा हो गया है, तो मैं इसको अच्छी तरह से विस्क की मदद से इसको ज़रा सा इसके लम्स ख़त्म कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह सा विस्क करूँगी ताकि इसके जो भी छोटे मोटे लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। साथ ही मैंने 1 पैकेट क्रीम का ऐड कर दिया था, उसको भी अच्छी तरह से बीट कर रही हूँ। साथ ही मैं इसमें डालूँगी जी वनीला आइसक्रीम, ये तकरीबन मैंने 1 कप ऐड की थी। इसको भी अच्छी तरह से मैं विस्क की मदद से स्मूथ सा कर लूँगी। और एक छोटे वाला पैकेट मैंने रंगीन सेवइयों का बॉईल करके रखा हुआ था, इनको भी मैंने काफ़ी देर से ठंडा करने के लिए रखा हुआ था, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें ठंडी ही जाएंगी, इसमें गर्म कुछ भी नहीं जाएगा, वरना बिल्कुल पानी पानी सा हो जाएगा हमारा लबेशीरी। साथ ही मैंने एक फ्रूट कॉकटेल का छोटे वाला जो टीन है ना, वो भी मैंने ऐड कर दिया, उसको हल्का सा मैंने मिक्स किया। साथ ही मैंने छोटे वाले जो रसगुल्ले होते हैं वो भी ऐड कर दिए। मैंने बहुत पहले लबेशीरी बनाई थी, इसलिए मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, लबेशीरी बनाई ही नहीं थी, तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा दूसरी सेवइयाँ बनाने से बेहतर है कि लबेशीरी बना लो, क्योंकि इसमें सेवइयाँ भी होती हैं, बाकी चीज़ें भी हो जाती हैं, ज़रा डिफरेंट भी हो जाएगा। अच्छा, देखें, ग्रीन वाली मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं जमी थी, पतली पतली सी जमी थी, हालांकि पानी भी मैंने इसमें थोड़ा ही डाला था, और ये 2 पैकेट थी। बहरहाल कुछ रीज़न होगा, समटाइम ये होता है कि चीज़ भी अच्छी नहीं आती है तो वो भी हो जाती। अच्छा, इसको मैं सेंटर में डाल रही हूँ क्योंकि ये पतली थी, इसलिए अब ऊपर से मैं पतली डालती तो वो अच्छा ना लगता। इसके ऊपर बाकी का जो लबेशीरी है वो डाल दूंगी, और उसके ऊपर रेड वाली जेली लगा के। तो डेकोरेट तो आप अपनी मर्ज़ी से जैसे भी चाहें कर सकते हैं, तो मुझे जैसे समझ आया बस मैंने करके, और इसको ठंडा करने के लिए रात में ही रख दिया था, क्योंकि ये ठंडी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। इसके ऊपर जी मैंने डाल दिए कटे हुए पिस्ते, और इसको क्लिंग रैप करके मैं फ्रिज में रख दूँगी। इंशाल्लाह इसको कल ईद वाले दिन एंजॉय करेंगे, तो बस ये ठंडी भी हो जाएगी, और इसका क्योंकि छोटा मोटा काम होता है तो मैंने इसको पहले निपटा लूँ। तो जी चांद रात है, और क्योंकि सोनिया ने अभी थोड़ी देर बाद चले ही जाना था, तो मैंने कहा भाई मुझे मेहंदी लगा दो, थोड़ी बहुत ही सही, चलो लग जाएगी। अच्छा, ये स्टिकर वाली मेहंदी ना मुझे कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई है, मतलब स्टिकर लगा के ऊपर से मेहंदी लगाना, डिज़ाइन तो अच्छा आ जाता है लेकिन एक बहुत अच्छी नहीं लगती है, तो जिनको बिल्कुल जैसे मेरी तरह के लोग हैं बिल्कुल नहीं आती, उनके लिए बेस्ट है। और ये है जी नेक्स्ट डे, मतलब ईद वाला दिन है, और सोनिया क्योंकि रात में ही चली गई थी, तो मैं सुबह किचन में आई, और मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं अपने लिए चाय बनाऊँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड घर पर नहीं थे, तो अपने लिए ही मैं चाय बनाने रखी। और उसके बाद मैं आ गई वॉशरूम में, तो मैं ज़रा फ्रेश होके और फिर चाय पीऊँगी, क्योंकि उसके बाद मुझे आज बहुत सारे काम करने हैं और अकेले ही करने हैं, क्योंकि मेरे पास कोई आज हेल्प नहीं थी, खाना भी बनाना था, घर के काम भी करने थे, तो इसलिए थोड़ी सी ना मुझे टेंशन हो रही थी। आज बहुत दिनों के बाद ना आपको मेरे ब्लॉग में ना चाय नज़र आ रही होगी, सुबह की चाय, तो मैं थोड़ा सा ना अपने इस टाइम को एंजॉय भी कर रही थी, जो अकेले वाला टाइम होता है ना वो भी कभी कभी एंजॉय करना चाहिए। हालांकि ईद थी, और ईद थी इसलिए कोई ज़्यादा काम नहीं थे, आराम से मुझे पता है कि मैंने डिनर की तैयारी करनी है, सारा दिन मेरे पास है, तो मैं आराम आराम से काम करती रहूँगी, लेकिन टाइम ऐसे भागता है कि आपको पता ही नहीं चलता है।
तो मैंने कहा ऑलरेडी अब 12 एक बज रहे हैं, तो मैं ज़रा सा अपना आप काम स्टार्ट कर दूं। तो इसलिए सबसे पहले तो मैंने चीज़ों को समेटना शुरू किया, उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत सफाई की, क्योंकि कल ना मतलब एक दिन पहले मैंने अच्छी तरह से ना घर साफ़ कराया था, तो आज को इतना ख़ास काम नहीं था। तो मैं कहती हूँ कि आपके पास हेल्पर हो या ना हो, आप अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करके काम किया करें। कभी होता है कि आप पे काम का बर्डन आ भी जाता है, हेल्पर नहीं भी होती, लेकिन फिर भी आपने पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना, आपने आराम नाम से अपने काम करने, इंशाल्लाह काम फिर हो ही जाते हैं, काम रुकते नहीं हैं, हो ही जाते हैं। तो आज मैं नई बेडशीट भी अपनी चेंज करी हूँ, ये मिली थी मुझे रेड से कलर में, तो मैंने कहा चलो जी ईद है तो ये नई बेडशीट भी बिछा देते हैं। तो मैंने बस एक कुशन बिछा दिया था, रख दिया था, और बेडशीट चेंज कर ली थी जिसका कलर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। अच्छा, दो मेरी जो साइड टेबल्स हैं ना उनके लिए मैंने ये मेरे ग्रे वैसे वो मैट रखे हुए थे तो मैंने ब्लैक वाले रख लिए, और रनर भी मैं आज मैरून कलर का रख रही हूँ, तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और अच्छा वैसे ही ना मुझे दोनों ही कलर के अच्छे लगे, मैरून बेडशीट भी और मैरून रनर भी, तो मैंने बस यही ले लिए। ईद के हिसाब से भी मैंने कहा अच्छा लगेगा, तो बस टेबल साफ़ करके रनर भी रख दूँगी, क्योंकि फिर रात को खाना मैंने यहीं लगाना है। मैंने क्या किया कि मैंने कैमरा किया बंद और मैंने फटाफट से काम किया, क्योंकि मैंने कहा मैं साथ साथ वीडियो बनाऊंगी तो फिर मुझे काफ़ी लेट हो जाएगा, और किचन में मेरे काफ़ी सारे काम थे, साथ साथ वीडियो भी बनानी होती है तो ज़रा टाइम लग जाता है। अच्छा जी, मैं अभी बना रही हूँ चिकन तबाकी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है, और इसके लिए मैंने लिया होल चिकन, उसको मैंने अच्छा विद स्किन लिया है, और बीच में से ना मैंने किचन नाइफ से उसको कट कर लिया था, उसको ज़रा फ्लैट कर लिया, और उसके बाद जी मैंने इसमें हस्पे ज़रूरत पेपरिका पाउडर लिया। आप देखें जितना आपको ज़रूरत हो, जो जितनी बड़ी और छोटी चिकन हो, पेपरिका पाउडर, नमक और काली मिर्च, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं आपने ऐड करना है। अच्छी तरह से इसका मसाला लगा कर और मैं रख दूँगी फ्रिज के अंदर, ये मैरिनेट होगा। अगर आप इसको 2-3 दिन पहले रख के फ्रिज भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ दूंगी, फ्रिज में रख दिया था। यहाँ जी मेरी बेटी हो गई तैयार और ये अपनी दादी के घर जाने के लिए रेडी हो गई है। इसने बड़ा अच्छा सा सूट पहने, और ये इसने अपनी मर्ज़ी से लिया था, हालांकि मुझे था कि थोड़ा सा ना बड़ों वाला कलर है, लेकिन इसको यही पसंद था, तो बस इसको तैयार करा के मैंने भेज दिया था। अब मैं घर में बिल्कुल अकेली थी, तो इसलिए मैंने कहा मैं काम ज़रा कर लेती हूँ, साथ में मैंने टीवी भी लगा रखा था, और मैं काफ़ी इन्जॉय किया, मैंने इस ईद को काफ़ी इन्जॉय किया है, क्योंकि मुझे था कि ये शाम तक आ ही जाएंगे 2-3 घंटे तक, तो मैं खाना बना ही लेती हूँ। अच्छा जी, अभी मैं बना रही हूँ दम का मटन। दम का मटन बनाने के लिए मैंने छोटी वाली जो देग है वो ली है, क्योंकि मैंने दम में पकाना है। इसके लिए मैंने 1 kg लिया जी मटन, साथ ही 2 छोटे चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर, 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, और साथ ही मैंने 1 चम्मच पेपरिका पाउडर कलर के लिए डाली थी। साथ ही इसमें चला जाएगा 1 प्याली दही, जिसको मैंने फेंट लिया था ताकि इसकी वो लम्स ना बने, या इसकी जो कर्डल हो जाती है ना वो ना हो। अच्छा, साथ ही मैंने आधी कटोरी ली है ब्राउन प्याज, ये मेरे पास ऑलरेडी मौजूद थी तो वो मैंने इसमें ऐड कर दी। साथ ही 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, अच्छा इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, और साथ ही मैंने डाला इसमें देसी घी, जो कि 1 छोटी प्याली इसमें जाएगा, देसी घी में ही पकेगा। हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करूँगी इसको, फिर मैंने चूल्हे पे चढ़ाना है। ये इतना आसान मटन है और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। चूल्हे पे चढ़ा दिया, 4 से 5 मिनट इसको भूनूंगी तेज़ आंच पे, और फिर पानी डाल के ना इसको 1 गिलास पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दूँगी। अच्छा, गर्म मसाला मैंने इस स्टेज पर नहीं डाला, वो जब मैं डालूँगी तो आपको बताऊँगी। फिलहाल ये 4-5 मिनट के लिए मैं इसको भून के और इसमें पानी ऐड कर दूंगी, और इसको बिल्कुल हल्की आंच पे मैं पका लूंगी जब तक कि मटन हमारा गल ना जाए। मटन को अब मैं भूनने लगी हूँ, क्योंकि मटन बिल्कुल गल चुका है, इसका जैसे ही घी ऊपर आएगा तो ये गल जाएगा। और आप सुनाएं, आपकी ईद कैसी गुजर रही है? मैंने तो बस जस्ट अभी बाल सेट किए हैं, मैंने कहा जैसे ही मेरे हस्बैंड और बेटी आएंगे मिल मुल के सबसे, तो फिर मैं जल्दी जल्दी कपड़े पहन लूँगी, हल्का सा मेकअप कर लूँगी, खाना ये कि मैं बना लूँ, वैसे मटन भून के और इसको डन कर लूँगी। इसके बाद मैंने चावल बनाने हैं, चावल भी जल्दी जल्दी से बना लूँगी।
बल्कि मैं ना मसाला बना के पहले रख लूंगी और फिर जो है जैसे वो आएंगे तो मैं चावल को दम दे के ना टेबल सेट कर लूंगी। मैं बहुत सारी चीज़ें आज नहीं बना रही, ज़्यादा तो मेरा यही था कि मैं 3-4 चीज़ें और भी बनाती, लेकिन मैंने कहा चलो कल का दिन भी है परसों का दिन भी है तो इस तरह मैं बनाती रहूँगी, क्योंकि एक ही दिन सारा बना लो तो फिर वही बासी फिर 2-3 दिन खाते रहो तो क्या फ़ायदा, इसलिए उतना बनाओ जितना खा लो। मीठा तो ये है कि मैंने रात में ही बना के रख लिया था। आप लोगों ने क्या क्या बनाया मुझे ज़रूर बताइएगा, किस तरह सेलिब्रेट किया ईद पे। बिरयानी तो सबके घर लाजमी बनती है, लेकिन मैंने आज बिरयानी नहीं बनानी, मैंने चिकन तबाकी विद राइस प्लेटर बनाना है, तो वो तो सारी रेसिपी खैर मैं आपसे शेयर करूँगी। बस मैंने कहा मैं गोश्त को ज़रा भून लूँ। अच्छा इसमें ना इस स्टेज पे मैं भूनते हुए ना इसकी भुनाई हो रही है, मैं इसमें थोड़ा सा ना थोड़ा सा बिल्कुल आधी चम्मच गरम मसाला डाल दूँ। इसमें 2-3 हरी इलायचियाँ, एक दालचीनी के ना स्टिक्स ऐड करी उसमें। और जी एंड में मटन मैंने भून के इसमें धनिया और मिर्चें भी डाल दी थी और बस इसको मैं बंद कर दूंगी, ये काफ़ी गल चुका था और क्योंकि मटन मेरा ऐसा था कि जल्दी गलने वाला था। तो दम का गोश्त जो है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पे जी मैंने फ्राई पैन लिया, फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाला और उसकी जो स्किन वाली साइड है वो मैंने पहले रख दी चिकन की, उसका अच्छी तरह से कलर आ जाए तभी आपने उसको टर्न करना है और इस तरफ से कर लेना है, ठीक है, कलर आना चाहिए दोनों साइडों पर। अब मैं क्या करूँगी कि इसमें रख दी मैंने प्लेट और इसके ऊपर रख दूँगी मैं कोई वज़न, कोई इसी तरह से कोई दोरी टोरी रख दें तो ज़रा वज़न आना चाहिए क्योंकि चिकन को हमने गलाना भी है। यहाँ पे जी मैं इसके लिए बना रही हूँ राइस, जिसमें मैंने पैन लिया और उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, साथ ही ब्राउन प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही मैंने 3 छोटे साइज़ वाले टमाटर डाल के ना हरी मिर्चें डाल के उसको हल्का सा भून लूँगी। मसाले में मैं इसमें डाली हूँ कुटी मिर्चें, नमक और बस, और कुछ भी नहीं मैंने डाला था। आप चाहें तो मिर्चें स्किप भी कर सकते हैं, इसको बिल्कुल फीका भी बना सकते हैं, जैसे कि अलबैक चिकन होता है या मंदी के साथ राइस मिलते हैं ना, आप उस तरह भी बना सकते हैं। मुझे थोड़ा था कि ज़रा मसाला होना चाहिए ना चावलों में, तो जी मैंने बस चावल डाल दिए और चावलों को दम दे दिया था सिंपल जिस तरह दम देते हैं। हाँ मैंने नमक ज़रूर चेक किया था, नमक आपने भी चेक करना है और मैं रेडी भी हो चुकी हूँ आपने देखा है, और मेरे हस्बैंड और बेटी भी घर में आ चुके हैं। तो जी बस अब मैं खाना सर्व करने लगी हूँ, काम करते करते टाइम का पता ही नहीं चला और बस शाम हो गई। ये था मेरा सिंपल सा ईद का दिन, तो मेरी ईद ऐसे ही होती है, हमेशा ऐसे होती है, तो बस अल्लाह का शुक्र है जैसी गुजरी है बहुत अच्छी गुजरी है अल्हम्दुलिल्लाह। इंसान को हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आप सबको मेरी तरफ से, देखिए मैं तैयार हो गई हूँ और ये जो ड्रेस है ये मैं आपको अभी पूरा भी दिखाती हूँ। ये मैंने खाली शर्ट ली थी, ये ना काफ्तान स्टाइल है, बड़ा प्यारा सा कलर है इसका, मेरून सा कलर है, रेड मेरून कलर, डार्क मेरून भी नहीं है। और इसके साथ बाद में मैंने ये दुपट्टा लेकर ना इस पर बस पीको करवा ली थी और ये मैंने ना टेसल्स लगवा लिए थे, तो बड़ा ही अच्छा सूट है इसके। यहाँ पर थोड़ा सा काम है, इतना मुझे अच्छा लगा मैंने कहा बस मैं अब यही लेती हूँ, तो मैंने ये ले लिया था। वैसे मैंने लॉन की भी बनवाया है लेकिन ये मेरा मेन ईद का था, मुझे बड़ा पसंद आया। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, ऐसी कई कई ईदें देखना नसीब फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो बस अभी हम लोग खाना खाएंगे क्योंकि रात हो गई है काफ़ी, और बस आपसे जाऊँगी मैं यहीं पर इजाज़त, इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।